हेलो दोस्तों। तो भाई आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी असिस्टेंस लोको पायलट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और ये आपके 10वीं पास जो लोग हैं उनके लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी योग्यता, आयु, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस, सैलरी, एग्जाम कितने होंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई, सब कुछ इस बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लगाइएगा और चलिए हम लोग एक एक करके पूरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, जनवरी 2024 में, ठीक है। आगे अब इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जो टोटल वैकेंसी की बात करी गई है वो है 5,696 इसमें टोटल वैकेंसी होंगी। और आगे बात करें इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, डेट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो शुरू होगा फॉर्म भरना, फॉर्म जब से अप्लाई कर पाएंगे तो 20 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 19 फरवरी। तो आप लोग इसको ध्यान में रख करके अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें और इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई भी इरर हो गया है तो उसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, ये 20 से 29 फरवरी तक, ठीक है। और बाकी एग्जाम डेट कब आएगी इसके बारे में आपको आगे नोटिफाई मैं कर दूंगा, ठीक है, जब आएगी तो। और यहाँ पर फीस की बात करें तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। 500 रुपये अभी आपको चालान कटेगा, लेकिन अगर आप टीयर 1 का एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसी तरह SC ST PH के लिए यहाँ पर 250 रुपये है और सभी कैटेगरी की जो फीमेल उनके लिए भी 250 है। और ये सभी जो है बाद में ये सब पूरा पैसा आपका जो है वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और जनरल ओबीसी में केवल 100 रुपये कटेगा, 400 आपका वापस आ जाएगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये आपको बताया दिया है कितना कितना फीस पड़ेगा, ठीक है। आगे है कि एज लिमिट के बारे में, तो आपकी एज लिमिट जो है 1/7/2024 से ली जाएगी, ठीक है। अगर 1/7/2024 को आप जो है कितना होना चाहिए, तो 18 से 30 वर्ष, ठीक है, 18 से 30 वर्ष आपकी आयु जो होनी होनी चाहिए 1/7/2024 तक। तो इसको इस डेट को आप लोग ध्यान रखें, अगर आपकी एज बन रही है तो अप्लाई ज़रूर करें। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो है एज रिलैक्सेशन का क्या मामला है इसमें। तो जो आपका SC है और ST हैं उनके लिए 5 साल की छूट एज में मिलेगी, और जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर में उनको आपको 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक। तो इन सभी के लिए आप लोग देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। बाकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले देखिए मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। ITI में आप कुछ भी यहाँ पर जैसे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, कोयल बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, यानी कि आपके पास इसमें से अगर कोई भी ITI की डिग्री है तो आप डिप्लोमा है तो आप इससे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास दूसरा पॉइंट ये है मैट्रिकुलेशन के अलावा, ये सब अगर आपके पास है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर जो चारों पांचों पॉइंट लिखे हैं ये सब यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अथवा अगर आपके पास ये सब कुछ है, इनमें से चारों पांचों में से अगर कोई भी आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो जनरल है सबके लिए है वो है हाई स्कूल प्लस ITI, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, अब सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होगा। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें 4 स्टेज दिए गए हैं। कितने स्टेज में होगा, 4 स्टेज में। पहला 5 स्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पर तो वो तो मेडिकल है, ठीक है। तो पहला स्टेज है आपका CBT 1 होगा, एक यानी कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, आपका परीक्षा होगी पहली, उसके बाद सेकंड परीक्षा होगी। अगर आप पहली परीक्षा कट ऑफ पास कर लेंगे तो दूसरी परीक्षा आपकी कराई जाएगी, उसके बाद आपका CBT होगा इसमें, और यहाँ पर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी प्रक्रियाएँ आपकी यहाँ पर होंगी, ठीक है, एक एक करके सभी प्रक्रियाएँ बारी बारी से होंगी। और आगे इसमें अब देखते हैं CBT 1 जो स्टेज है उसके कैसा होगा उसमें, ठीक है। तो जो जो CBT 1 होगा यानी कि आपका जो फर्स्ट पहला पेपर होगा उसमें जो है टोटल 75 मार्क हैं, टोटल क्वेश्चन भी 75 आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का। ये पूरा पेपर आपका 60 मिनट का इसमें हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स यानी गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, तो रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर, ठीक है, तो मैथ आएगा आपका, गणित आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान, और उसके बाद पूरा GS आपका, ठीक, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
और जो टीयर वन एग्ज़ाम है इसमें आपका जो है 1/3 मार्क्स जो है निगेटिव भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं CBT2 एग्ज़ाम, यानी कि टीयर वन अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं TBT1, उसके बाद आपका आएगा CBT2 एग्ज़ाम। उसमें क्या क्या होगा, देखिए जो CBT2 एग्ज़ाम होगा, सेकंड एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या होगा, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका टोटल 2 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का होगा। उसमें क्या होगा, जो पहला वाला एग्ज़ाम था वो 60 मिनट, कितने मिनट का था, 75 मिनट का ना, 60 मिनट का होगा ये पहले वाला जो है CBT1, ये 60 मिनट का आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये CBT2 है इसमें क्या होगा, आपका 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें दो पार्ट में होगा, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में क्या क्या होगा, इसमें जो है आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो टीयर वन में आपसे पूछा गया वो लगभग वैसा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट होगा, पार्ट बी होगा, उसमें आपका ट्रेड, जिस ट्रेड से आप लोग, जिससे आप लोगों ने ITI किया है या फिर अपना डिप्लोमा लिया है, उस ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दो होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जैसे पार्ट वन, जैसे टीयर वन हुआ था उस जैसे का होगा, और पार्ट बी में आपका, आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है अब एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं, पार्ट ए कैसा होगा, ठीक है। तो CBT2 का पार्ट ए कैसा होगा, तो इसमें आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट ए जो होगा उसमें कुल जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, ठीक है। उसके ही बाद में, उसके जस्ट बाद में आपका फिर पार्ट बी वाला आएगा, जैसे SSC CGL में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका ट्रेड वाला शुरू हो जाएगा, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट इसके लिए मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपके 175 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा टीयर टू, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, देखिए जो टीयर वन है इसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट के लिए, ठीक है। और वहाँ पर क्वेश्चन जंबल्ड होंगे, कोई मतलब कोई कहीं भी मैथ आ सकता है, रीजनिंग कहीं भी, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद जो टीयर टू होगा एग्ज़ाम आपका, उसमें मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका ये सब आएगा इस तरीके से, करंट अफेयर 10, रीजनिंग के 10, ये पूरा 100, ठीक। उसके बाद आपका ट्रेड से संबंधित ये सब आएगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अब आगे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, मतलब इसमें बताने की क्या जरूरत है, इसमें सब कुछ आपको से पूछा जाएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी यहाँ पर आपको लिखा है पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सैलरी की बात करते हैं। तो जो सैलरी की बात की गई है इसमें, पे स्केल आपका 19,900 बताया गया है, ठीक है। और आगे हम लोग अभी इसमें पूरा आपको पोस्ट वाइज डिटेल भी बताएंगे, और इसके अलावा आपको भत्ता भी मिलता रहेगा, सब भत्ते आपको मिलेंगे, यानी कि पैसा काफ़ी अच्छा मिल जाता है रेलवे में, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर केवल देखने के लिए 19,000, ये तो आधा भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब इसमें, और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं हम लोग। तो द कैंडिडेट नीड टू बी बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट, जो आप लोगों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कमी आपके पास नहीं होनी चाहिए, और मेडिकल जो होगा A1 स्टैंडर्ड का होगा। A1 स्टैंडर्ड में क्या होता है अभी आपको बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा, ठीक है। और उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड जो है फिजिकली फिट इन ऑल स्टैंडर्ड। विजन स्टैंडर्ड देखते हैं हम लोग, मतलब आपकी नज़र, आँखों संबंधित, तो डिस्टेंस विजन जो है आपका 6x6 दोनों आँखों में, ठीक है, विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट, ठीक है, तो होना चाहिए। नियर विजन आपका इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर 0.6 विदाउट ग्लास, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बायनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब आपसे वहाँ पर टेस्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब आँखें जो है कुल मिलाकर के बिल्कुल ही स्वच्छ होनी चाहिए, एक पैसे की भी कमी नहीं होना चाहिए आँखों में, ठीक है। और भाई आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, अब हम आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर GS क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और पूरा आपका 75 क्वेश्चन का जो पूरा प्रैक्टिस सेट होता है उसको भी आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर मैं आपके SSC एग्जाम्स की भी तैयारी करता हूँ, GS की वीडियोज दे रहा हूँ,
और इंग्लिश की भी क्लासेस आपको लगातार देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप SSC की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, GET की, CGL, CHSL, MTS, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी वैकेंसी डिटेल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर RRB का नाम इधर दिया गया है, इधर फिर जनरल वैकेंसी, फिर EWS, OBC, SC, ST, ये टोटल यहाँ पर दिया गया इस तरीके से। तो देखिए RRB अहमदाबाद में जो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जनरल की 95, आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, टोटल जो है 238 वैकेंसी। उसी तरह RRB अजमेर की तरफ से टोटल 228 वैकेंसी अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। RRB बंगलोर की तरफ से इतनी वैकेंसी और भोपाल में इतनी वैकेंसी। आगे चलेंगे, आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इसमें। और देखिए यहाँ पर तो ये सब यहाँ पर दिया गया, भोपाल में हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर, बिलासपुर SECR, ठीक है। तो इतनी इतनी वैकेंसी यहाँ पर हो गई, तो बिलासपुर में काफ़ी हैं, 1192 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो और बाकी यहाँ पर ये सब आप लोग देख लीजिए, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, ठीक, ये सब इस तरीके से यहाँ पर है। आगे चलते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके इसको लेते रहें यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कोलकाता, मालदा, मालदा SCR, मुंबई SCR, WR, मुंबई SCR, इस तरीके से पूरा वैकेंसी डिटेल हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर भी इस तरीके देख लीजिए पूरा डेट, और इतना ये और बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा वैकेंसी डिटेल। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया आपके ALP एग्ज़ाम के बारे में। तो अब आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें और एग्ज़ाम निकालें, ठीक है, सफल हो जाएं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत करूंगा यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।